हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईज़ की करेंट अफेयर्स। ये आपकी दिसंबर मंथ की करेंट अफेयर्स है, और यहाँ पे आज हम लोग न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे इकॉनमी की। ओके, इससे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम लोग कुछ देखेंगे इकॉनमी के सेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक। ओके, तो जो भी आपकी पोर्शन कंप्लीट हो चुकी है, मैं सारी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। साथ ही मेरी अन अकेडमी की भी लिंक आपको वहीं मिलेगी, आप वहीं से चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो हमारा इकोनॉमिक सेक्शन में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फार्म लोन वेवर। ओके, तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि ऐसे तो फार्म लोन वेवर आप हमेशा देखोगे, जब भी कोई इलेक्शन आएगी तो उस समय क्या होता है, कोई नए गवर्नमेंट चुन के आते हैं, कोई भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल में आप देखोगे तो किसानों की जो ऋण होती है उसको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि अभी न्यू गवर्नमेंट बनी है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे उनको जो है बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे किसानों से कि जब वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो वो उनकी जितनी भी ऋण है उनको माफ़ कर देंगे। तो बस वो जैसे ही सत्ता में आए वो यही काम किए कि वो जितने भी फार्मर्स थे उनकी जितनी भी ऋण थी उनको माफ़ कर दिए। ओके, और देखते हैं कि लोन वेवर क्या है। तो ये एक कंसिस्टेंट डिमांड है जो कि फार्मर से किया जा रहा है। फार्मर्स हमेशा ऐसे ही डिमांड करते हैं, क्योंकि उनकी जो फार्म डिस्ट्रेस है ना, यानी उनकी जितनी पैदावार होती है क्रॉप्स की, उतनी उनको लागत नहीं मिलती है, उनका उतना उनको अर्निंग नहीं हो पाता है, इसलिए वो चाहते हैं। क्योंकि वो जब क्रॉप उगाते हैं तो इसके लिए वो काफ़ी जगहों से, बैंकों से या काफ़ी लोगों से ऋण लेते, उधार लेते, उसको चुकाने के लिए उनके पास उतनी सफिशियंट अमाउंट नहीं हो पाती है जब उनको मार्केट में बेचते हैं। या तो फसल काफ़ी ख़राब भी हो जाती है डिजास्टर्स के कारण, जैसे मानसून अच्छी नहीं आई तो फसल ख़राब हो गई, या फिर आपकी हद से ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो गई, या और भी कोई सर्कमस्टांसेस होती है, ज़रूरत से ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं तो फसल बर्बाद हो जाते हैं, या तो फसल इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्टोरेज की कैपेसिटी के लैकिंग की वजह से भी कितने सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारी रीज़न है जिसके वजह से जो है फार्मर्स को उनकी अपनी जितनी भी वो उपजाव करते हैं, किसी से ऋण लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से नहीं कमा पाते और नहीं चुका पाते। तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं ना, वो हमेशा गवर्नमेंट से यही आगू करते हैं कि वो उनकी जितनों जो भी ऋण है उसको माफ़ कर दें। 2014 में क्या हुआ था कि 8 स्टेट ने यहाँ पे लोन को माफ़ किया था फार्मर्स के, और 4 और स्टेट थे जैसे राजस्थान, आसाम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिन्होंने जितनी भी लोन थी उसको छुटकारा दे दिया था। ओके, तो इस तरीके की हरकत चलती है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इशू क्या होते हैं लोन, जो भी फार्म लोन वेवर है तो उनसे इशू क्या होते हैं। पहला है कि जो वेवर्स है ना, यानी जो छूट दिया जाता है, उससे प्रेशर क्रिएट होता है दूसरे दूसरे स्टेट में। यानी अगर मान लो कि आपके राजस्थान में जो फार्मर्स को अगर ये मिल जाती है, छूट मिल जाती है लोन की, तो दूसरे क्षेत्र के भी फार्मर्स जो है वो डिमांड करने लगते हैं अपने सरकार से कि उनको भी जो है जो भी उनकी जो लोन है उसको माफ़ कर दिया जाए, तो प्रेशर बढ़ जाता है दूसरे स्टेट में। सेकेंड है कि यहाँ पर रियल रीज़न नहीं पता चलता फार्मर की, क्या स्ट्रेस की क्या रियल रीज़न है नहीं पता चलता है, कि मेन बात उनको क्या प्रॉब्लम है वो फुलफ़िल करना चाहिए ना। ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है कि लोन माफ़ कर दिए, तो ये रियल जो प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स के साथ वो पता नहीं चल पाता है। वेवर्स जो है इससे बोरोवर्स को इक्वली कोई बेनिफिट होता नहीं है, जिनसे वो पैसा लेते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ओके, क्योंकि उनको तो नहीं मिल पाया ना, अगर आपसे कोई उधार लेता है और वो उधार अगर कोई आदमी नहीं चुका पाता है तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप तो लॉस में ही चले गए। रिच फार्मर्स जो होता है ये ज़्यादा इनका बेनिफिट उठा लेते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो मेन जो फार्मिंग का जो लोन वेव किया जाता है, लोन को माफ़ किया जाता है, तो इसमें जो है अधिकतर देखा गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार भी देखा गया है कि जितने जो रिच फार्मर्स होते हैं ना उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, जो छोटे फार्मर्स पुअर फार्मर्स होते हैं उनकी पहुंच नहीं होती है, उनके पास इतना सफिशेंट नॉलेज भी नहीं होता है, तो उन्हीं की जो रिच फार्मर्स होती है बेनिफिट उन्हीं को ज़्यादा मिलता है। लोन वेवर जो है ये क्रेडिट कल्चर और जो स्मॉल क्रेडिट कल्चर पे बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट देता है, और यहाँ पे मोरल हज़ार्ड भी क्रिएट होता है। ओके, यहाँ पे क्रेडिट का जो एसेस है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फार्मर्स के लिए, यहाँ पे ये आपकी इश्यूज है। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो सफ़र कर पाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो आपका लोन माफ़ कर रही है, तो यानी जितना भी पैसा वो बैंक से लिए है वो सारी तो पैसे डूब गई ना, तो ये कहीं ना कहीं ये जो पैसे है लॉस में चले गए, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस होना था वो नहीं हो पाती है। ओके, तो ये इससे इतनी सारी मेजर इश्यूज़ निकल कर आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक का इम्पैक्ट क्या होता है लोन वेव
जो फार्मर की लोन माफ़ कर दी जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फार्मर की लोन माफ़ की जाती है, ये सिंपली जो है लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर बैलेंस शीट में। ओके, यहाँ पे जो छुटकारा दिया जाता है ये आपका जो है फोर इफेक्ट पड़ता है किसी भी एग्रीगेट डिमांड पे। सबसे पहला है कि प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट होता है। जैसे लोन वेवर क्या करता है कि नेट वेल्थ जो होता है ना, टोटल वेल्थ अगर हम लोग कहें किसी भी फार्म हाउस होल्ड का, तो उसमें कंजम्पशन जो है बढ़ जाता है। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इम्पैक्ट होता है, यानी लोन वेव जो है इसमें बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अगर लोन को माफ़ कर दिया जाता है तो बैंकों के पास उतनी जो ऋण लिए रहते हैं किसान, वो तो मनी वापस नहीं आ पाता है। तो बैंकों में ऐसे भी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है हमारी इंडियन की बैंक, और काफ़ी जो है यहाँ पे NPS देखा जा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है बैंकों में और अराइज़ हो जाती है, और पब्लिक सेक्टर बहुत बैडली अफेक्ट होता है। यहाँ पे क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट होता है, यानी लोन वेवर जो है इसमें आपको हायर बोरोवर्स देखने को मिलेंगे स्टेट से। और यहाँ पे क्या होता है ना कि प्राइवेट स्पेंडिंग जो फर्म्स के द्वारा किया जाता है वो बहुत कम हो जाता है। क्राउडिंग इन इम्पैक्ट होता है क्योंकि बैलेंस शीट अगर हम लोग बैंक का देखें तो ये इम्प्रूव होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग फार्मर लोन्स जो है उसकी जो रेटिंग होती है ना वो हाई हो जाती है, क्योंकि जितनी भी फार्मिंग लोन्स दिया जाता है बैंकों के द्वारा वो परफॉर्मिंग नहीं होती, वो नॉन परफॉर्मिंग होती है। नॉन परफॉर्मिंग कहने का मतलब है कि पैसा बैंकों को वापस नहीं मिल पाया। तो जो बैंक पैसा देती है फार्मर्स को, वो अगर वापस वो नहीं ले पाते, इट मीन्स कि वो जो लोन दिए थे वो नहीं परफॉर्म कर पाया, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग यहाँ फार्मर लोन कहा जाता है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि प्राइमरी रीज़न यहाँ पे पता करना चाहिए कि फार्मर की डिस्ट्रेस की मेन रीज़न क्या है, फार्मर्स को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे उनके लिए अगर बीज महंगी मिल रही है, उनको फर्टिलाइज़र महंगा मिल रहा है, उनको अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह महंगी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है सस्ती मार्केट में अवेलेबल कराना चाहिए, जिनके कारण फार्मर्स को जो है ज़्यादा लोन नहीं लेना पड़े, या फिर उनको जो है उतने ही कम पैसे में सब कुछ इनपुट उनको मिल जाए। ओके, अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन फार्मर्स के लिए है कि ये स्मॉल होते हैं और अन इकोनॉमिकली साइज के लैंड पे ये काम करते हैं, यानी जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो रेशियो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू रिच फार्मर्स। ओके, तो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है वो बहुत छोटे ज़मीन पर अपना काम करते हैं। तो ज़रूरी है कि उनको जो है स्ट्रेंथ देना चाहिए, उनको एक अच्छा लैंड होल्डिंग कैपेसिटी देना चाहिए, जिसमें कि वो ज़्यादा उपजाऊ करेंगे तो वो ज़्यादा कमा पाएंगे। नेक्स्ट है कि बेटर डिसीज़न मेकिंग होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर और मार्केट जो है एक डिसकनेक्टेड है। हमें अभी भी दिखता है कि एग्रीकल्चर से मार्केट बहुत ही डिसकनेक्टेड है, इसको कनेक्टिविटी में लाना चाहिए। आपका जो है फार्मर्स और मार्केट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जिससे कि फार्मर्स जितनी अपनी उपजाऊ करते हैं वो आसानी से मार्केट तक पहुँचा सके, मार्केट में बेच सके। ओके, साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मिंग रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो पीरियड है ना क्रॉप लोन का, वो 4 साल तक एक्सटेंड करना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि जो भी अगर पैटर्न हो और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रेनफॉल का, उसमें जो फार्मर्स है ना वो अपने आप को कॉन्स्टेंट कर सके, वो अपने फार्मर्स जो है अपने आप को डिसाइड कर सके कि हाँ अगर 4 साल तक आपको टाइम दिया जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ही टाइम है, अगर उस समय आपकी फसल बर्बाद भी हो जाती है तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपकी फसल अच्छी हो, आप अच्छा कमा सको, तो आप जो है बैंकों को लोन वापस कर सकते हो। ओके, एक स्पेसिफिक और रीजन और क्रॉप बेस्ड स्कीम होना चाहिए किसी भी लोन कंसेशन के लिए। और यहाँ पे कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये जैसा केस है ना लोन वेवर, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ वोट बैंक के लिए ही हो रहा है ये आजकल, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऐसा बात बोल देती है कि वो अगर गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद फार्मर्स की किसानों की जो लोन है वो माफ़ कर देंगे, तो अधिकतर वोट उन्हीं को मिलता है, वही उसी पार्टी को दी जाती है। तो इसीलिए ये अभी वोट बैंक की पॉलिसी चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक सर्कमस्टांसिस होनी चाहिए, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन होनी चाहिए कि हाँ इतनी पुअर कंडीशन अगर फार्मर्स की हो गई तो इस केस में लोन वेव किया जाएगा, एवी नहीं लोन वेव करना चाहिए। ओके, स्पेशली अगर एसोसिएटेड मोरल हज़ार्ड में बोले कि कोई प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी डिजास्टर्स हो गए, मानसून जो है नहीं आया या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, तो भी ये हज़ार्ड ही है, तो इस तरीके की चीज़ें होगी तब लोन वेव करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये कंक्लूज़न बताया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि जो शॉर्टेज ऑफ इनपुट होती है, जैसे सीड्स हो गए, इरीगेशन हो गए,
इसको जो है ड्राउट, फ्लडिंग और अनसीजनल रेन के साथ जो है ना कपल करना चाहिए, यानी जो इनपुट्स है उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ड्राउट फ्लडिंग हो गई तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, DBT स्कीम्स है जैसे कि रायतु बंधु स्कीम्स अभी तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। इस ये बहुत ही अच्छा स्कीम्स है जिसमें कि तेलंगाना ने फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो इस तरीके के और भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना फार्मर्स के वेलफेयर के लिए और फार्मर्स की जो ये लॉस होती है ना उसके लिए उनको एक फॉरवर्ड स्टेप लेकर आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं 3.2 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे इसका एम है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2020 तक। हमारी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उनका ये प्लान है कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है और एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है उसको भी डबल करना है 2022 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये बताया है कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की क्या है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल जिसके थ्रू एक फ्रेमवर्क आपका इस्टेब्लिश होगा सेंटर में। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसके नोडल जो डिपार्टमेंट है वो करेंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट एजेंसीज़ का, जिसमें कि कंसर्न्ड आपके स्टेट गवर्नमेंट भी रहेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि करंट ये एग्रीकल्चर ट्रेड सिनेरियो हमारे यहाँ कैसा है। तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करें तो रिलेटिवली अभी स्टैग्नेंट है लास्ट 5 ईयर से, यानी 2013 से 2017 से तो यहाँ तक अभी भी स्टैग्नेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ग्लोबल प्राइसेस की फॉल हुई है, इसलिए अगर यहाँ पे फॉल हम लोग देखें ग्लोबल प्राइसेस में और यहाँ पे जो भी बैक टू बैक ड्रॉट हुआ था, जैसे 14-15 में बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो गई थी और 15-16 में हुई थी, तो इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना वो थोड़ी सी ड्रॉप्ड हो गई थी, यानी 5% जो एनुअल ग्रोथ रेट था उसके अकॉर्डिंग ये 5% हम यहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे। इंडिया की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 9% से ग्रो कर रही है अगर हम लोग चाइना के कंपैरिजन में, ब्राज़ील और यूएसए के कंपैरिजन में देखें, जो कि 2007 से 2016 के बीच में है। इंडिया की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना वो लोअर है बहुत सारे कंट्रीज से, जैसे कि थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे मच स्मॉलर एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन ये इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, अगर इंडिया को देखें तो यहाँ पे लीडिंग पोजीशंस ये ग्लोबल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो है ना इंडिया अभी लीडिंग पोजीशंस में है, जैसे कि राइस हो गई। ओके, इसकी टोटल एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट बास्केट अकाउंट है यहाँ पे 2% हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया जो है वो लोअर एंड में रहता है अपने ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू चेन में। अगर शेयर की बात करें तो इंडिया की हाई वैल्यू और वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट में है, जो कि लेस है आपका 15% अगर हम लोग कंपेयर करें, यूएस की 25% है, चाइना की 49% है। ओके, अब एलिमेंट देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क की क्या क्या एलिमेंट है। तो विज़न जो है एक्सपोर्ट आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का, तो इसमें फर्स्ट है कि हार्नेस एक्सपोर्ट पोटेंशियल होनी चाहिए जितनी भी इंडियन एग्रीकल्चर है। यहाँ पे एक सुइटेबल आपकी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे ग्लोबल पावर होनी चाहिए एग्रीकल्चर में और यहाँ पे जो भी फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाना चाहिए। तो अब देखते हैं स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन क्या क्या दी गई है पॉलिसी मेजर्स के लिए। तो फर्स्ट है कि यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी रिजिम जो है वो स्टेबल हो, यहाँ पे एक एश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और जितने भी तरीके के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सारे जितने भी तरीके के हैं उनके लिए एक एश्योरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कुछ आपके जो भी कॉमोडिटीज़ है जो कि बहुत एसेंशियल है फूड सिक्योरिटी के तौर पर। रिफॉर्म्स लाना चाहिए जो भी APMC एक्ट है, और यहाँ पर आपका मंडी फी भी होना चाहिए। जो डायरेक्टोरेट जनरल है फॉरन ट्रेड के, ये इसमें और साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो है वो इस तरीके की रिफॉर्म लाए अपने सारे स्टेट में, जिसमें कि वो जितने भी APMC एक्ट है उनके अंदर जो है रिफॉर्म्स लाने की बात कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अर्क कर रही है कि वो रैशनलाइज करे जितनी भी मंडी टैक्सेस है यहाँ पे लार्ज एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के तौर पर। नेक्स्ट अगर हम लोग मेजर्स देखें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो हैंडलिंग फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि क्रॉप को अगर उगाना है तो प्री हार्वेस्ट होता है और उसके पोस्ट हार्वेस्ट होता है, तो यहाँ पे इसकी स्टोरेज की भी बात होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, साथ में यहाँ पे प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ होती है, रोड और वर्ल्ड क्लास एग्जिट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, मेगा फूड पार्क होनी चाहिए अगर स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज देखें, और यहाँ पे कोल्ड चेन का भी एक अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए। स्ट्रैटेजिकली अगर इम्पॉर्टेंट क्लस्टर देखें तो यहाँ पे इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को बढ़ा देना चाहिए।
नेक्स्ट अगर मेज़र देखें तो हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपका किसान विज्ञान केंद्र जिसको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको हम लोग फार्मर्स को दे सके और साथ ही क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट कर सके फार्मर्स के अमंग। ओके, वर्क टू वर्ड सिमिलर एजेंसीज, जैसे US जो है US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूरोपियन यूनियन का अगर कोई हम लोग देखें तो ये लोग सब एक साथ मिलकर एक साथ काम करती है जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाता है। एक हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स देना चाहिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी में, जिसमें कि आपका जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है ना वो इंडियन प्रोडक्ट्स के द्वारा जो है बैरियर फेस नहीं किया जाए। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो एक नोडल स्टेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, साथ में एजेंसी होना चाहिए जो कि जितनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट कर सके। यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का इंक्लूजन होना चाहिए स्टेट एक्सपोर्ट पॉलिसी में। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और क्लस्टर लेवल पर। ओके, तो ये सारी कुछ मेज़र्स है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशनल जो रिकमेंडेशन है वो क्या है। तो सबसे पहला है कि हम लोग को क्लस्टर पे फोकस देना है, यानी हम लोग को एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसके थ्रू हमारी जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट बढ़ सके इस क्लस्टर में। मीन्स विलेज का क्लस्टर बनाना चाहिए, यानी जो क्लस्टर मीन्स एक ग्रुप ही होता है, जैसे विलेज में रहने वाले जितने भी फार्मर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होना चाहिए, वो मिल बांट के काम करेंगे तो उनको जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो जो एग्री एक्सपोर्ट जोन का जो कंसेप्ट है वो आपका 2001 में ही निकल कर आया था, और यहाँ पे एग्जिम पॉलिसी 1997 और 2001 का था जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव लुक देखा जाता है आपके जितने भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आपके जो भी एरिया में होते जिसका पर्पस है कि वो डेवलप करना चाहते हैं जितने भी रॉ मटेरियल्स हो। AEZ यानी एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है ये आपके कन्वर्जेंस पे फोकस करेगा, जितनी भी एग्जिस्टिंग अभी आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है उसको कन्वर्ज करने में फोकस करेगा। अगर 60 एग्री एक्सपोर्ट जोन देखें तो ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है और ये किया जा रहा है 2004 से 2005 तक। अभी तक कोई भी न्यू EAZ जो है 2004 के बाद कोई भी फॉर्म नहीं हुई है। यहाँ पे वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, यानी जितने भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इंडिजियस कमोडिटी का और वैल्यू एडिशंस का, तो उसको हम लोग को प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे हमें वैल्यू एडेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए और मार्केटिंग एंड प्रमोशंस होना चाहिए ब्रांड इंडिया का, यानी यहाँ पे सेपरेट फंड डेडिकेट करना चाहिए जितनी भी ऑर्गेनिक की मार्केटिंग होती है, वैल्यू एडेड एथनिक की वैल्यू होती है, मीन्स इतनी की जो आपकी मार्केटिंग होती है, GI की मार्केटिंग होती है, रीजनल स्पेसिफिक या ब्रांडेड प्रोडक्ट की, तो इसमें एक सेपरेट फंड देनी चाहिए। नेक्स्ट कि अट्रैक्टिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट के लिए काम होना चाहिए, जैसे कि बेटर क्वालिटी कंप्लायंस को इंक्लूड करना चाहिए, स्मूथ लॉजिस्टिक हैंडलिंग हो, लॉजिस्टिक मींस जो सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रपोज करें जिसके थ्रू जो है जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो सपोर्ट हो सके फोकस स्टेट से। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें और डिजिटाइजेशन की बात करें तो फार्म लेवल पे है ना कि फार्मर्स की जो डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटली जो है रिकॉर्ड कर सके रख सके, और फार्मर्स की जो भी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है और जो भी पोर्टल है जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो सारी चीज़ जो है डिजिटाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग क्वालिटी रिजिम का, यानी यहाँ पे इस्टेब्लिश करे और मेंटेन करे जो भी सप्लाई चेन है प्रोडक्ट की, और कन्फॉर्मिटी असेसमेंट भी होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे जितने भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है वो अभी भी इंडिया के एक्सपोर्ट इंस्पेक्शंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं ना कि उनके प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा लीड किया जाना चाहिए, जिसमें कि हायर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड किया जाना चाहिए आपके गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू ही आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ना वो बूस्ट हो पाएंगे। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आपके मिसलेनियस में भी कहा गया है कि एक एग्री स्टार्टअप फंड को क्रिएट करना चाहिए जिसके थ्रू इंटरप्रेन्योर जो है ना वो जितने भी न्यू एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे उसको सपोर्ट करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि इस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या है। अगर इंडिया की तरफ से देखें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो आपका $60 बिलियन है
2022 तक होने वाला है $60 बिलियन। ओके, अगर अभी की बात करें, अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है ना, वो आपका लार्जली किस किस चीज़ से कंप्राइज है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो मीट करते हैं, मैराइन प्रोडक्ट करते हैं, बासमती राइस करते हैं, जिसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड को ट्रैक किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने इंपोर्ट्स को ओपन करें, जैसे कि क्रूशियल फूड आइटम्स की जो प्राइसेस है, जैसे पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, पल्सेस हो गया, उसको हम लोग वर्ल्ड मार्केट में भी ओपन करके रख सकते हैं। यहाँ पे सेवरल इंस्टेंस बताया जा रहा है आपका, जिसके थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को सडन इंक्रीज़ कर सकते हैं और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हम लोग लोअर कर सकते हैं। ओके, जिसके थ्रू हम लोग अपने प्राइस को, फूड प्राइस को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए वीट और राइस में, जिसमें इंडिया जो है फूड ग्रेन को जो है ना डोमेस्टिक मार्केट में वो ज़्यादा वैल्यू दे सके। एक डिस्प्यूट है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसके थ्रू ये रूल्ड आउट हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो इंडिया को एक्यूज़ करे कि जितनी भी सब्साइडिंग जो फार्मर्स है ना, वो अपने प्राइस को लो करके रख सकते हैं। ओके, अब रिलेटेड न्यूज़ एक और है यहाँ पे कि यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स जो है, और साथ ही सऊदी अरेबिया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यूज़ करेंगे इंडिया को एज अ बेस, कि वो एड्रेस कर सकेंगे जितनी भी फूड सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग्स में देखें, जो फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत ही सिमिलर है स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है। लेकिन अगर हम लोग किसी फार्मर्स के कॉपरेटेड के स्टाइल में देखें, तो जहाँ पे क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं किया जाता है, वहाँ पे स्पेसिफिक मार्केट जो है, जहाँ पे क्रॉप ग्रो होती है वहाँ पे एक स्पेसिफिक मार्केट होनी चाहिए। ओके, जहाँ पे भी आपका क्रॉप होता है, जैसे फार्मर्स होती है, तो फार्मर्स और मार्केट के बीच में बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस तरीके की एग्री जो आपका फूड एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है ना, वो आपका डेवलप हो पाएगा, बेटर आपका डेवलप हो पाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें रही इस टॉपिक के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3.3, जीएम क्रॉप। तो ये जीएम क्रॉप है क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक रिसर्च पेपर को ऑथराइज्ड किया गया था एक लीडिंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिसका नाम आप लोग सबको ही जानते होंगे, ये है एमएस स्वामीनाथन। ओके, उन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया है कि जीएम क्रॉप की क्वालिटी के बारे में, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीएम क्रॉप आखिर है क्या। अगर WHO के अकॉर्डिंग देखें, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब कि DNA, इसको जो है अल्टर किया जाता है इस तरीके से ताकि वो नेचुरली उस तरीके से वो अकर नहीं हो, बना नहीं हो, और नेचर रिकॉम्बिनेशंस हो। ओके, जेनेटिकली हम लोग ये लोग जो है ना मॉडिफाइड कर देते हैं। जेनेटिक मीन्स जो जीन होती है, फूड की जीन होती है, हमारे कैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जीन होती है, जैसे हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो हमारे पेरेंट्स से ली गई है, तो ये जीन ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो प्लांट में भी जीन होती है, जिसके थ्रू जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होती है। तो वो ये आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि क्रॉप में जो जीन होती है ना, उसी को मॉडिफाई कर दिया जाता है। अगर कोई भी जीन ऐसी है कि अगर आप कोई भी फ्रूट्स ले रहे हो, ऑरेंज ले रहे हो, तो ऑरेंज अगर छोटी छोटी होती है ना, छोटी छोटी होने का जो ऑरेंज वाली जो पौधा होती है, उसमें एक जीन को मॉडिफाई करके ना उसको बड़ी ऑरेंज और सुंदर एकदम जो एकदम ही डार्क ऑरेंज होती है ना, उस टाइप की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको डार्क ऑरेंज का बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अराइज हुआ है उनके थ्रू कि ये कैसे इम्प्रूव करेगा। ओके, अब इंडिया की अगर सिनेरियो देखें, तो अभी तक बीटी कॉटन एक नॉन फूड क्रॉप है, जो कि अभी तक का सिर्फ एकमात्र जीएम क्रॉप कल्टिवेटेड हो रहा है इंडिया में। ओके, बीटी कॉटन। अगर कमर्शियली रिलीज़ की बात करें, तो बीटी ब्रिंजल जो है वो अभी स्टेल्ट किया गया है 2010 में, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा उनको रोक लगा दिया था बीटी ब्रिंजल में। ओके, अगर DMH 11 के थ्रू देखें, तो यहाँ पे एक मस्टर्ड डेवलप किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, यहाँ पे टेस्ट इसका डिमांड किया गया था कि इसको कमर्शियल कल्टीवेशन से पहले इसके ऊपर टेस्ट किया जाए। ओके, तो GM क्रॉप जो अब देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कंप्लीमेंटिंग GM क्रॉप का क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन और यहाँ पे आपका हो गया GM क्रॉप। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यील्ड किसकी इंक्रीज़ होगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करता है। अगर वेरियस क्रॉप को देखें, बहुत सालों से यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंक्रीज़ किया है।
जीएम क्रॉप की बात करें तो ये आपकी जो ट्रेंड चलती आ रही है उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा और साथ ही यहाँ पे फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर एग्जांपल ले तो कॉटन की जो यील्ड है ना वो बहुत साल से जो है ना डबल हो चुकी है अगर आज के डेट में हम लोग इंडिया में देखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएम क्रॉप। ओके, बीटी कॉटन। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। अगर देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले इंडिया जो लार्जेस्ट इम्पोर्टर था फूड का, और अगर PL 480 प्रोग्राम के अंडर में देखे जो कि US का था, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो लीड कर रहा था जिसमें कि शिप टू माउथ बेसिस के ऊपर। ओके, तो यानी अगर हम लोग फूड सिक्योरिटी देखें तो पहले हम लोग डिपेंडेंट थे US की जो भी फूड सिक्योरिटी प्रोडक्ट फूड सिक्योरिटी जो पॉलिसीज थी उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे। जीएम क्रॉप की बात करें तो एक सॉल्यूशंस निकल कर आया है जिसके थ्रू जो है इंडिया अपनी खुद की फूड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर सकेगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज्ड क्रॉप रेसिलियंस देखें तो बहुत सालों से जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक न्यू चैलेंज निकल कर आया है क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, जिसके थ्रू न्यू डिजीजेज, इंसेक्ट्स और क्लाइमेट चेंज जो है निकल कर आई है। लेकिन अगर हम लोग जीएम क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटर रेसिस्टेंस है किसी भी डिजीज़, पेस्ट और हर्बिसाइड्स का। यहाँ पे कोई भी एक्सेसिव यूज़ नहीं होता है केमिकल का। जीएम क्रॉप जो है वो आपका ग्रेटर टॉलरेट करता है कोई भी हीट हो, कोल्ड वेव हो, फ्लड हो, ड्रॉट हो। ओके, तो किसी भी तरीके की क्लाइमेट चेंज हो या नेचुरल कैलामिटीज़ हो तो जीएम क्रॉप जो है उसको टॉलरेट कर लेती है। इंपोर्ट में रिडक्शंस की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशंस जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी पहले हम लोग अपने यहाँ बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे, उसी पे डिपेंड होते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशंस के आने के बाद हम लोग जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे इंपोर्ट के जो इंपोर्ट होता था फूड उसके ऊपर जो है हम लोग रिड्यूस हो गए हैं। अगर हम लोग अपने यहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ करने लगे हैं राइस और वीट का। जीएम क्रॉप की बात करें तो ये आपको प्रोवाइड करेगा बहुत बड़ा एक लीप जिसके थ्रू आप लोग इंपोर्ट को ही एलिमिनेट कर सकते हो। एडिबल ऑयल और पल्सेस को जो आज के डेट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, और जीएम क्रॉप से क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग इंपोर्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशंस जो है ये काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आपको देगा, जिसमें कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स अगर पंजाब और हरियाणा वेस्टर्न यूपी बेल्ट में देखें तो ये आपके मीडियम और लार्ज फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन। जीएम क्रॉप की बात करें तो ये आपको एक तरीके की अपॉर्चुनिटी देगा जिसके थ्रू आप एवर ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकते हो, और यहाँ पे लैंडलेस मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया के पूरे हर एक क्षेत्र में। तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई है आपका जीएम क्रॉप को लेकर और ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर। ये आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, ये काफ़ी अच्छी टेबल है। ओके, अब यहाँ पे बताई जा रही है कि इश्यूज़ और चैलेंजेस क्या है जीएम क्रॉप के लिए। तो सबसे पहला है मोनोपोली। क्रिटिक्स क्लेम करते हैं कि जो भी पैटेंट लॉ है वो आपका डेवलपर्स को देना चाहिए जो कि जीएम क्रॉप के हैं, और ये अगर इसको दे दिया जाए तो ये काफ़ी कंट्रोल करेगा जितने भी फूड सप्लाई होते हैं। पेटेंट क्या होता है कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ के लिए वो अगर उसका आविष्कार करता है ना तो उसको 10-20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है, यानी उनको ये प्रायोरिटी दी जाती है कि हाँ आप ही इस क्रॉप के मालिक हैं, आप इसका कितना भी दाम मार्केट में लगा सकते हैं आपको उतना ज़रूर मिलेगा। ओके, और इस तरीके की क्रॉप कोई और नहीं उगा सकता है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन को अधिकार है जो इस पर रिसर्च किया है, तो इसको पेटेंट लॉ कहते हैं। ओके, तो मोनोपोली हो गया, यानी जिस आदमी को हम लोग पेटेंट लॉ के तहत जो अथॉरिटी दे रहे हैं, यानी वो अपने तरीके से फूड मार्केट चलाएगा, वो अपने तरीके से फूड सप्लाई चेन को मेंटेन करेगा। ओके, आउटक्रॉसिंग की बात करें तो जो जीन का माइग्रेशन हो रहा है जीएम प्लांट से लेकर कन्वेंशनल क्रॉप में और वाइल्ड स्पेसिस में, इसमें क्या होगा कि इनडायरेक्टली जो है इफ़ेक्ट करेगा फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी को। यहाँ पे यील्ड की डिक्लाइन होने की चांसेस है। यहाँ पे विटनेस किया जा रहा है कि जो भी हमारी यील्ड है यानी जो उपजाऊ है वो कुछ सालों में जीएम क्रॉप के तहत जो है ये आपका पूरी थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ की कंसर्न की बात करें तो यहाँ पे जो जीन ट्रांसफ़र किया जाता है जीएम फूड से लेकर ह्यूमन में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है किसी भी ह्यूमन हेल्थ को। ओके, यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो ये पैथोजन से डेवलप हुआ है, तो पैथोजो यहाँ पे क्या है कि कंसर्न हो सकती है पैथोजोन्स का जो कि बहुत ही रेसिस्टेंट टॉक्सिक है और ये जीएम क्रॉप के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, अगर पिंक बुलवॉर्म की बात करें तो ये किसी रेसिस्टेंट आपको देखने को मिलेगी जो कि टॉक्सिन है, और ये बीटी कॉटन के थ्रू जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है।
अब इन्वायरमेंट के कंसर्न से बात करें तो जो ससेप्लिटी है आपकी नॉन टारगेटिंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, इसके थ्रू जो है ना बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की चांसेस है। रेगुलेटरी चैलेंज देखें तो यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो डेटा अगर आपका निकल कर आता है उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलपर के साथ और टेक्नोलॉजी डेवलपर का यूज़ करके यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर हम लोग GEAC के कंसर्न की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी इशू है जो कि देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपका मेंबर का सिलेक्शन कैसे होगा, ब्यूरोक्रेट्स की डोमिनेंसी देखी जाती है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं निकल कर आता है सिविल सोसाइटी से और स्टेट से, जहाँ पे आपकी BT कॉटन जो है इंट्रोड्यूस की जाती है और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको उपजाया जाता है। अगर DLC की फंक्शन के बारे में देखें यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बारे में देखें तो यहाँ पे GM क्रॉप को जो है रेगुलेट किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर। नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन से यानी पब्लिक अटेंशन जो है वो रिस्क साइड में फोकस दे रही है, यानी रिस्क बेनिफिट इक्वेशंस हो सकता है जिसके थ्रू जो ट्रांसपेरेंसी और इग्नोरेंस है उसकी कमी आ सकती है। इंडिया जो है वो इम्पोर्ट कर रही है जितनी भी एडिबल GM सोयाबीन है और कैनोल है। ओके, तो वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग लीगल रिजीम जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाना चाहिए जैसे बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करेगी इस तरीके के ऑर्गेनिज्म और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको रेगुलेट करेगी। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो बायोसेफ्टी पे था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में था वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्रोएक्टिव पेटेंट रिजम देखें तो यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन और जुडिशियल सेफगार्ड जिसके थ्रू जो भी मोनोपोलिज्म है हमारे GM सीड मार्केट में उसको हटा सके। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पे GEAC जो रिपोर्ट है वो पब्लिक के द्वारा बनाई जाती है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से होनी चाहिए। कॉपरेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करे किसी भी डिसीजन को लेने से पहले जो भी GM क्रॉप से रिलेटेड है। प्रोवाइड करनी चाहिए एक कस्टमर को चॉइस, यानी मैंडेटरी लेबलिंग होनी चाहिए GM ऑर्गेनिज्म का, जिसके थ्रू जो है कंज्यूमर के ऊपर एक चॉइस होनी चाहिए। एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट होनी चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे आर्ग्यू किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे डिसीज़न लिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में, तो सबसे ऊपर हमारे लिए स्टेट लेवल पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप देखोगे तो यहाँ पे है RDAC जो कि पॉलिसी रिकमेंड करती है, दूसरी है RCGM जिसमें कि आपका गाइडलाइंस दिया जाता है, सेफ्टी की में मॉनिटर किया जाता है और साथ में यहाँ पे प्रोसीजर दिया जा रहा है जिसके थ्रू रीस्ट्रक्चर हो सके। दूसरी अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे है GEAC जिसके थ्रू जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ है उसको अप्रूवल दी जाती है और यहाँ पे लार्ज स्केल में एक्सपेरिमेंट को परमिशन दिया जाता है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो RCGM की, तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल होता है बायोसेफ्टी कमेटी और यहाँ पे गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद स्टेट बायोसेफ्टी कमेटी आती है, यानी यहाँ पे जो भी वायलेशन होती है GM ऑर्गेनिज्म के द्वारा तो उसको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल बायोसेफ्टी कमेटी। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी आपकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इंडिया में वर्क करती है। इसके आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो बायोसेफ्टी में हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे सेफ हैंडलिंग करने का इसका एम था, ट्रांसपोर्ट और जितनी भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसको यूज़ करने का इसका एम था। ओके, इसको 2000 में अडॉप्ट किया गया था और यहाँ पे अगर फोर्स में देखें तो 2003 में आया था। यहाँ पे आपका एक एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट इस्टेब्लिश हुआ था जो कि इंश्योर्स करता है हर एक कंट्री को कि वो प्रोवाइड करे जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है जिसके थ्रू वो GM क्रॉप बनाना चाहते हैं। ओके, तो फिर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का है, इसका एम है कि वो कंजर्व करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज़ हो हर एक कंपोनेंट और एक इक्वल और फेयर तरीके से सारी चीज़ों का बेनिफिट लिया जा सके। ओके, तो ये सारी बातें रही आपकी इसमें और इसके साथ ही ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 3-tier इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, जैसे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी था सेंट्रल लेवल में, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड था स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी था, स्टेट लेवल पे आपका स्टेट बायोडाइवर्सिटी था। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो ये लोकल लेवल पर था। ओके, यहाँ पे पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को भी बात किया जा रहा है कि प्रिपेयर करें और मैंडेटरी करें।
स्टेट के साथ कंसल्टेंट किया जाता है एक लोकल बॉडीज़ का, जिसके थ्रू जो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये सारी बात रही यहाँ जीएम क्रॉप के बारे में। अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो आई शुड स्टॉप हियर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको कोई भी अगर क्वेरीज और सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।